नमस्कार, आप देख रहे हैं ए टू जेड न्यूज और मैं हूं हीरेंद्र राठौड़। एनआईए के अधिकारी तंजील अहमद की हत्या की गुत्थी सुलझ गई है। यूपी पुलिस ने इस हत्याकांड पर से पर्दा हटा दिया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में कोई भी आतंकी कनेक्शन होने से साफ इनकार करते हुए हत्या के पीछे निजी रंजिश का खुलासा किया है। बरेली जोन के आईजी विजय कुमार मीणा ने बताया कि इस हत्याकांड की साजिश मुनीर ने ही रची थी। एनआईए अधिकारी तंजील अहमद मर्डर केस में यूपी पुलिस ने आपसी रंजिश का दावा किया है। पुलिस ने इस हत्याकांड में कोई भी आतंकी कनेक्शन होने से साफ इनकार करते हुए हत्या के पीछे निजी रंजिश का खुलासा किया है। बरेली जोन के आईजी विजय कुमार मीणा ने बताया कि इस हत्याकांड की साजिश मुनीर ने ही रची थी, हत्या में आतंकियों का हाथ नहीं है। मुनीर ने ही रयान और जुनैल को तंजील के मर्डर के लिए तैयार किया था। तंजील अहमद की हत्या के पीछे रंजिश, लेन देन और संपत्ति विवाद निकलकर सामने आ रहा है। आईजी के मुताबिक रयान से पूछताछ में खुलासा हुआ है कि घटना के दिन शादी समारोह में आरोपी रयान अपने पिता के साथ शामिल था, वहीं वो दूसरे आरोपी जुनैल से मिला था। इसी दौरान मुनीर ने काली शर्ट में लपेट कर दो रिवॉल्वर दी थी। तंजील अपने परिवार के साथ शादी समारोह से बाहर निकले और कार में सवार हो गए। बाहर पहले से मौजूद मुनीर और रयान मोटरसाइकिल से उनका पीछा करने लगे। जब ये लोग सहसपुर के पास एक पुलिया पर पहुंचे, तो मुनीर और रयान ने तंजील अहमद की कार को ओवरटेक किया और मुनीर ने उन पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। तंजील अहमद अपने परिवार के साथ बैठकर और उसके पीछे उनके भाई गाड़ी से चले तो उससे पीछा किया इन्होंने। उसके पश्चात पीछा करते हुए ये लोग ग्राम सहसपुर तक आए और जो घटनास्थल है जहाँ पर एक पुलिया बनी हुई है, जो उस जगह पर इन्होंने गाड़ी को ओवरटेक किया। ओवरटेक करके पीछे से आके मुनीर ने इंस्पेक्टर तंजील अहमद को गोलियां मारी, ताबड़तोड़ गोलियां मारी और उसके बाद ये लोग कस्बे की तरफ चले गए जहाँ पर इनको इनका पुराना अपना साथी जैनी भी मिला। आईजी ने बताया कि एनआईए अफसर तंजील अहमद की हत्या करने के पीछे मुनीर का मकसद बदला लेना था। दिसंबर सन 2015 में बिजनौर के धामपुर में 91 लाख की लूट हुई थी। उस लूट को मुनीर ने अपने साथी रिजवान के साथ मिलकर अंजाम दिया था। मुनीर को शक था कि तंजील अहमद ने पुलिस से उसकी मुखबिरी की थी, तभी से मुनीर तंजील अहमद को मारने की फिराक में था। जब ये 91 लाख की लूट हुई थी, उसके बाद जब बिजनौर पुलिस ने ये 3-4 लड़कों से पूछताछ की थी, उसके अगले ही दिन ये लोग सब दिल्ली गए थे और दिल्ली में मुनीर के कमरे पर गए थे। इनमें से तंजीम तो वो लड़का है जिसने अपनी आइडेंटिटी पर फर्जी तरीके से ओखला एरिया में बाटला हाउस के पास में मुनीर को कमरा दिलवाया था। ये बाद में जब हम लोगों ने इन्वेस्टिगेशन से ये तस्दीक हुआ तो ये सब लोग गए वहाँ पर और इन्होंने कहा कि बिजनौर पुलिस तुम्हें भी तलाश कर रही है और हमारा नाम भी आया है। और इन्होंने ही अंदेशा प्रकट किया था कि हो सकता है कि तंजील अहमद साहब जो इंस्पेक्टर साहब थे उन्होंने मुखबिरी की हो, क्योंकि एक चीज़ और जो रयान ने बयान में कही है कि जब घटना हुई थी उस वक्त घटना कारित करने के बाद उसने स्टेटमेंट दिया था मुनीर ने कि और कर मुखबिरी, ये वर्ड रयान ने बताया। तो ये सारी चीज़ें हैं जो अभी तहकीकात में है। पुलिस इस हत्याकांड में दो आरोपी रयान और जुनैल को गिरफ्तार कर चुकी है, लेकिन मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी दूर है, जिसके चलते यूपी पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मुनीर पर पुलिस ने 50,000 का इनाम घोषित किया है। तंजील अहमद हत्याकांड में अभी तक पुलिस 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ कर चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, ए टू जेड न्यूज़।